हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल मिस्ट्री बैग पर। आज हम बात करेंगे साल 2016 में दुनिया में सबसे अच्छी सैलरी देने वाले टॉप 10 देश कौन से हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले देशों में पहला नंबर है अमेरिका का। अमेरिका में 31.6% टैक्स काटकर एक व्यक्ति को कम से कम $41,355 सैलरी मिलती है। वैसे तो अमेरिका हेल्थ केयर पर खर्च करने के मामले में नंबर 1 पर है, पर हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में इसका नंबर काफ़ी पीछे है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग को यूरोप में आर्थिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। वहाँ एक व्यक्ति को 37.7% टैक्स काट कर $38,951 का भुगतान सैलरी के रूप में किया जाता है। काटे गए टैक्स के जरिए लोगों को कई ज़रूरी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक नॉर्वे में हेल्थ केयर और हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। 37% टैक्स काटकर नॉर्वे में लोगों को $33,492 वेतन मिलता है। टैक्स चुकाने के बाद लोगों को ज़रूरत की अधिकतर चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। चौथे नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड, जो कि दुनिया के सबसे उम्दा देशों में से एक है। स्विट्ज़रलैंड में एक व्यक्ति की इनकम $33,491 है और काम करने वालों को अधिकतम 35 घंटे सप्ताह में काम करना होता है। पांचवें नंबर पर आने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया में ऑयल एंड मिनरल के एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति को एवरेज $31,588 सैलरी मिलती है। यह सैलरी 27.7% टैक्स काटने के बाद दी जाती है और टैक्स में काटे गए पैसों से लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। जर्मनी अपने कर्मचारियों को एवरेज सैलरी देने के मामले में छठे नंबर पर है। यहां लोगों को 49.8% टैक्स पे करना होता है। दुनिया में सबसे पुराना यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जर्मनी में ही लागू है। जर्मनी में एवरेज सैलरी है $31,252। कोई देश टूरिज्म के जरिए कैसे अपने देश के लोगों को बेहतर जॉब और सैलरी दे सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है सातवें नंबर पर। यहाँ लोगों को टैक्स काटकर $31,173 का भुगतान सैलरी के तौर पर किया जाता है। यहाँ इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के लिए 49.4% टैक्स देना होता है। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं ऑयल रिजर्व है तो वह है कनाडा। 31% टैक्स काटकर यहाँ लोगों की एवरेज सैलरी है $29,365 और कनाडा आता है आठवें नंबर पर। कनाडा में एक सप्ताह में 36 घंटे काम करना होता है। वर्ल्ड बैंक और GDP के आधार पर स्वीडन दुनिया का छठा सबसे अमीर देश है। यहाँ पर लोगों को 42.4% टैक्स में देकर $29,185 सैलरी मिलती है। इस हिसाब से सैलरी देने के मामले में स्वीडन नौवें नंबर पर आता है। दसवां नंबर है फ्रांस का। यहाँ पर प्रतिदिन काम करने के लिए अधिकतर घंटों को निर्धारित करने के लिए वर्क वीक कानून पास हो चुका है और लोग केवल उतना ही काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग दूसरे के रोजगार को नहीं खत्म करते हैं। फ्रांस के लोगों को एवरेज $28,799 सैलरी प्राप्त होती है। यहाँ पर 49.4% टैक्स काटा जाता है। जहाँ लोग सबसे ज्यादा अपनी सैलरी पर टैक्स देते हैं, उनमें फ्रांस का नंबर दूसरा है। अगर आपको
यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।